हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में हुई घटना पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि जो घटना करनाल में हुई है, आपने उसके वीडियो और ऑडियो देखे हैं और मैंने भी देखी है। हमने करनाल में एक पार्टी की बैठक रखी थी, लेकिन एक दिन पहले कुछ लोगों ने योजना बनाई कि ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। किसी को हमारे कार्यक्रम के विरोध का कोई अधिकार नहीं है। दो दिन पहले प्रशासन का आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी को रोका गया। आप लोगों ने सारे ये सब देखे हैं और एक उसमें ऑडियो भी आपने सुनी है। मैंने भी सुनी है, तो सुने हुए आधार पर मैं कह सकता हूँ। पहली बात तो ये कह सकता हूँ कि वहाँ एक पार्टी की हमारी मीटिंग थी प्रदेश स्तर की, जिसमें सभी MLA बुलाए थे, सभी मंत्री बुलाए थे, सांसद बुलाए थे, मैं भी वहाँ था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। लगभग वो 200 लोगों की एक मीटिंग थी और प्री अरेंज मीटिंग थी, एकदम तो वो गए नहीं है। लेकिन ये जो विरोध करने एक दिन पहले योजना बनाई कि हम ये मीटिंग नहीं होने देंगे, हम इस मीटिंग का विरोध करेंगे। पहली बात तो इसी में है कि हमारे देश में संवैधानिक तरीके से जो लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, वो लोकतंत्र की व्यवस्था सबको पालन करना चाहिए और प्रशासन को, शासन को उस लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल करना उनकी जिम्मेवारी होती है। तो आखिर कोई विरोध करेगा हमारी मीटिंग का तो उसको क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। बल्कि एक महीना भर पहले दो जगह पर तो ये समझौता हुआ, यानी इन आंदोलनकारियों के और प्रशासन के बीच में, हम कहीं नहीं थे, लेकिन प्रशासन ने अपने तरीके से उनसे बातचीत करके एक रिटर्न का उनका एग्रीमेंट है कि हम अपना जो प्रदर्शन करेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। इसमें नारे बोलने की छूट उनको है, झंडी दिखाने, काली झंडी दिखाने की छूट है, लेकिन किसी का रास्ता रोकना या किसी के काम में व्यवधान डालना ये उसमें कहीं नहीं है। ये एक समझौता हो चुका था, उसके बाद भी लगातार कर ही रहे हैं एक डेढ़ महीने से। इसके बाद ये घटना होना कि हम किसी को जाने नहीं देंगे वहाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, काले झंडे दिखाए को भी रोकना, फिर बीच में सिरसा में घटना हुई जब डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ा गया, ये लोकतंत्र के विरोध में है। सीएम ने कहा, मैंने भी अधिकारी का वीडियो देखा है, ये शब्द अधिकारी को नहीं बोलने चाहिए थे, शब्दों का चयन ठीक नहीं था, लेकिन सख्ती नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अधिकारी पर कार्रवाई होगी या नहीं ये प्रशासन देखेगा। इस तरह के आंदोलन से ये लोग खुद का नुकसान कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा लोग नहीं है। लोकतंत्र की सुरक्षा करना शासन, प्रशासन, गवर्नर सबका काम है, तो वहां पर सब आदेश दिए जाते हैं सुरक्षा एजेंसियों को भी और जिनके जिम्मे काम होता है कि यहाँ कोई भी आदमी आना जाए, आना नहीं चाहिए, उसको हर तरीके से रोकना है। अब वो जो वीडियो ऑडियो सुनी है उसमें शब्दों का चयन उस अधिकारी का ठीक नहीं है। मतलब इसमें मानने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सख्ती करना तो उनका काम है, लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेज काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी सख्ती प्रयोग की जाती है। प्रश्न ये नहीं है कार्रवाई हो गया नहीं है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा, हम बाद में देखेंगे उनके उसमें कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, वो सारी जानकारी DGP कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से हम करेंगे। मैं ही कह रहा हूँ कि उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी ये तो नहीं है। सख्ती तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए थी। अब आप यहाँ आए हैं, अगर आपको किसी को कोई आपको सुरक्षित यहाँ पहुँचने ना देता तो आप ही कहते कि मेरा अधिकार आने का क्यों नहीं आने दिया गया। आज जो कॉल दी गई है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया, ना आपका इसमें रोल ना मेरा रोल, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं तो हम तो व्यवधान डालेंगे, मुख्यमंत्री को वहाँ नहीं जाने देंगे, क्या इसको आप ठीक मानते हैं? नहीं ना मानते, उसमें दोष आना आपका ना मेरा है, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कितना कठिन होकर आना पड़ा। तो ये तो उनको समझाना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चलें। कोई बहुत बड़ा लाभ इस आंदोलन को इस प्रकार से चलाने का उनका नहीं हो रहा, ये मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि उनको लाभ नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो रहा है, समाज उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है। सीएम ने कहा, मुझे कल से फोन आ रहे हैं कि इनसे सख्ती से निपटो, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, समाज में सबको अपना काम, प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार है। जहां ये घटना हुई वहां मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया, लेकिन मैंने उस घटना को संभाला, अगर मैं चाहता तो हेलीकॉप्टर को उतार सकता था। साथ ही सीएम ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि किसान आंदोलन में पंजाब का हाथ है, वरना राजेवाल कैप्टन को लड्डू खिलाता हुआ नहीं दिखता। आप जो जनमत लोकमत की बात करते हैं, मुझे भी पता है जनमत का,
कि कल से मुझे जो फोन आ रहे हैं कि इनको सख्ती से निपटो। अब हम चाहते नहीं, वो हमारे अपने लोग हैं, अपने लोग भी जब बिगड़ जाए, घर में बालक होता है वो भी तो घर का होने के बाद भी बिगड़ जाता कई बार, तो कोई घर का जो बड़ा होता है वो उस बालक को एक सीमा में तो उसके साथ व्यवहार किया जाता है ना, अब वो सीमा बदलती रहती है। एक सीमा ऐसी थी कि बाप जो है बेटे को थप्पड़ भी मारता था, लाठी भी मारता था और अच्छी सजा देकर के अंदर कमरे में बंद कर देता था कि ये काम कर नहीं तब छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं। आज तो कोई माँ बाप ये नहीं कर सकता, आज तो ऐसी ऐसी कहानियाँ कोई माँ बाप बेटे के साथ कर दे, बेटा जाके मानवाधिकार में खड़ा हो जाता। तो ये समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं, इसमें कोई बहुत मुझे लगता है ये चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन ये वातावरण बनाने का काम है, हम और आप सब मिलकर वातावरण बनाएं, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है वातावरण बनाने में। अगर उस वातावरण को बनाएंगे कि लोकतंत्र की सुरक्षा ये सबका अधिकार है, राइट टू स्पीच सबका अधिकार है, लेकिन किसी के काम में हिंड्रेंस पैदा करना यह किसी का अधिकार नहीं है। मैं हवा में मुक्का चलाता हूँ, मानो ये करते करते यूँ करता हूँ और थोड़ा नज़दीक जा करके और यहाँ इनके नाक पर चला जाए तो मेरा अधिकार है क्या? इनके नाक को मुक्का नहीं मार सकता, मैं हवा में चला सकता हूँ। तो देर आर लिमिटेशन ऑफ एवरी फ्रीडम, देर इज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम। इस नाते से हमको सबको एक वातावरण बनाना चाहिए, लोकतंत्र में हर कोई अपना काम करें, प्रदर्शन करें, बोलें, भाषण दें, झंडा दिखाएं, उनका विरोध दर्ज कराएं, लेकिन हम किसी का काम, जब तक हमने भी इसलिए ठीक करो ठीक करो, वरना इन्होंने क्या नहीं किया, उसी स्थान पर जहाँ ये घटना हुई है उसी स्थान पर इन्होंने मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, वो घटना है ना, और मैंने उसको संभाला कि नहीं आज ऐसा वातावरण है मुझे अपना हेलीकॉप्टर उतारना ही नहीं है, और मानो मैं कहता कि नहीं उतारो और पुलिस को आदेश हो जाते सख्ती से निपटो, तो क्या होता उस दिन, कुछ घटना हो सकती थी ना। तो इसलिए हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम जिम्मेवारी के नाते से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। हाँ, उनकी तकलीफें हैं और वो तकलीफें कोई हरियाणा सरकार से नहीं है, उनकी तकलीफें मानो केंद्रीय कानून है, कोई भी बात करें तो समझ में आता है, लेकिन हरियाणा सरकार के नाते से उनका कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है, पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं, इसमें पंजाब के सरकार के लोगों का हाथ है, वरना राज्यपाल जाकर के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से लड्डू खिलाते हुए नहीं दिखता। मैं कुछ कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ। बता दें कि ये बयान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में उस वक्त दिया जब वो अपनी सरकार का 2500 दिनों का हिसाब किताब दे रहे थे। वहीं इस दौरान सीएम खट्टर ने नया स्लोगन निरंतर विकास 2500 दिनों का सफल प्रयास भी दिया। बहरहाल, किसान आंदोलन को लेकर सीएम खट्टर द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।